सो गाइस, इन दिस वीडियो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ थ्री स्टेप्स सुपर फास्ट एंड सुपर डुपर स्ट्रेटजी ऑन इंस्टाग्राम, जहां पर आप लाखों रुपए कमाओगे, वो भी फ्री, बिल्कुल फ्री, फ्री ट्रैफिक के साथ, अगर आप इस चीज को सही से फॉलो करोगे। अगर आपने गाइस ये तीन वीडियोस नहीं देखे हैं जो मैंने आपको पहले बताया है, तो मेक श्योर ये तीनों वीडियो को आप जाकर मेरे यूट्यूब चैनल पर देखें। अभी जहां पर आप वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे में जहां मेरा लोगो दिख रहा होगा, मेरी फोटो दिख रही होगी, जस्ट क्लिक ऑन दैट एंड गो टू द वीडियो सेक्शन हियर एंड क्लिक ऑन दैट एंड स्क्रॉल करके नीचे जाओ। और ये तीन से चार वीडियोस मैंने यहाँ पर बनाई आप लोगों के लिए। मेक श्योर गो एंड वॉच दिस सुपर डुपर वीडियोस, ये आपको और ज्यादा हेल्प करेगी इस मेथड में और आपको और ज्यादा वेज बताएगी जिससे आप लाखों रुपए कमा पाओगे थ्रू एफिलिएट मार्केटिंग ऑन इंस्टाग्राम, राइट, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ये स्ट्रेटेजी सुपर डुपर हिट होने वाली है, सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। लेट्स गो। सो गाइस, थ्री स्टेप सुपर फास्ट मनी मेकिंग स्ट्रेटेजी ऑन इंस्टाग्राम आज आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। ट्रस्ट मी, अगर आप इस पे काम करते हैं नेक्स्ट थ्री डेज यू विल सी द रिजल्ट्स, यू विल सी द मैक्सिमम, यू विल सी द अमेजिंग रिजल्ट्स ऑन इंस्टाग्राम 101%, अगर आप इस चीज को सही से फॉलो करते हो जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे। और आपको स्किल आती है थोड़ी सी, जो स्किल मैं अभी आपको यहाँ पर सिखाने वाला हूँ, अगर आप उसको क्या बोलते हैं प्रैक्टिस करोगे सो यू विल गेट योर रिजल्ट्स 101%। बट आपको फोकस करना पड़ेगा, फोकस करोगे तो रिजल्ट जरूर मिलेगा। बहुत ही बेहतरीन थ्री स्टेप की स्ट्रेटजी, सुपर फास्ट मनी मेकिंग स्ट्रेटजी ऑन इंस्टाग्राम आपको आज बताने वाला हूँ। तो गाइस, क्या आप रेडी हो? लेट मी नो इन द कमेंट्स और प्लीज लाइक कर दो इस वीडियो को। सो सीधा चलेंगे कंप्यूटर स्क्रीन पे और सीखेंगे कि ये स्ट्रेटजी कैसे काम करती है। आपको सही से फॉलो करना है, हो सके तो नोट्स बना लो एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स, आप जितना कमेंट लिखोगे उतना मैं टॉपिक्स पे देखूंगा और अगर मुझे लगेगा कि उस पे वीडियो लानी चाहिए तो मैं वीडियो बना के जरूर जरूर आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये पूरे मेथड्स काम करते हैं। एंड आपको इस मेथड के लिए चाहिए जस्ट एक मोबाइल, आपके पास कोई सा भी मोबाइल हो, आप मोबाइल का यूज करके इस मेथड को अप्लाई करके बहुत सारे पैसे कमाने वाले हैं, ट्रस्ट मी। तो अब कर दो इस वीडियो को लाइक, चलते आगे वीडियो में, लेट्स गो। सो गाइस, वेलकम बैक टू द स्क्रीन। अब आपको सबसे पहले इस वीडियो को देखना है, उसके बाद आपको फॉर श्योर इन चारों वीडियो को आपको वीडियो सेक्शन में जाकर देखना है ताकि आपको और भी ज्यादा हेल्प हो और इजी आप फ्री मेथड से पैसे अर्न कर पाए। मेक श्योर जाके इन चारों वीडियो को आप जरूर देखें आफ्टर दिस वीडियो, राइट। अब गाइस, सबसे पहले आपको जाना है इंस्टाग्राम पे, राइट। इंस्टाग्राम, आई थिंक यू ऑलरेडी नो अबाउट दिस ऐप, अगर नहीं जानते हो सो यू शुड नो अबाउट दिस ऐप, दिस इज कॉल्ड इंस्टाग्राम। इसे पहले यूज किया जाता था फोटोज को डालने के लिए, ग्लैमर के लिए, फैशन के लिए और शोबाजी के लिए, राइट, इट्स अ गुड वर्ड, शोबाजी। बट नाउ अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो या आप एक ऐसे बंदे हो जिसका माइंड चलता है पैसे अर्न करने के लिए, सो दिस प्लेटफॉर्म कॉल्ड मनी मशीन। नाउ अगर आप बाहर के वर्ल्ड में देखोगे, बाहर की जो भी कंट्रीज हैं उनमें देखोगे, पीपल आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी जस्ट फ्रॉम दिस ऐप कॉल्ड इंस्टाग्राम, राइट। इंस्टाग्राम एक ऐसा ऐप है जिससे आप बड़ा बड़ा बिजनेस कर सकते हो यहाँ पर, अगर आप कुछ चीजें जानते हो, कुछ स्किल्स जानते हो, सो आप बहुत कुछ यहाँ पर कर सकते हो। तो इन दिस थ्री स्टेप फॉर्मूला, सबसे पहले आपको 4 से 5 पेजेस क्रिएट करने हैं। कितने? 4 से 5 पेजेस। देखो इसमें दो चीज है, अगर आप चाहो तो आप क्या कर सकते हो, पेजेस को खरीद सकते हो, अदरवाइज इफ यू डोंट वॉन्ट टू परचेस, सो आपको क्या करना है, आप सीधा पेज को क्रिएट करो, राइट, इफ यू डोंट वॉन्ट टू परचेस। सो गाइज, इफ यू डोंट वॉन्ट टू परचेस, सो आप क्या कर सकते हो, आप खुद के अकाउंट्स बना सकते हो, राइट। वी आर यूजिंग लाइक 5 to 10 accounts नाउ, बट मैं आपको बोलूंगा 5 accounts से आप स्टार्ट करो बिकॉज आप हैंडल नहीं कर पाओगे शुरू शुरू में। सो सबसे पहला स्टेप यही है कि आपको अपना एक अकाउंट बनाना है, राइट। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने इस सेक्शन पे ध्यान देना है और दिस इज कॉल्ड कॉपी राइटिंग सेक्शन। मैं अपने लैंग्वेज में इसको बोलता हूँ कॉपी राइटिंग सेक्शन, राइट, CTS, CTS का नाम देते हैं हम लोग अपने लैंग्वेज में। और अब आपको करना क्या है, आपको ऐसा एक अकाउंट क्रिएट करना है, राइट। मेरा एक और पेज है, मैं दिखा दूं, और भी हम लोग बहुत सारे पेजेस हैं, आई डोंट वॉन्ट टू रिवील, बट यहाँ पर मैं 777empire.in का पेज दिखा सकता हूँ बिकॉज यू नो इट इज माई कोर्स। सो यहाँ पर देखो मैंने क्या लिखा है, आई गिव बेस्ट रिव्यू कोर्सेज फॉर बिगनर्स टू मेक 1K ऑन इंटरनेट लाइक IG, मतलब इंस्टाग्राम। आई मेट टू
$1,300 with 100 फॉलोअर जस्ट राइट एंड इट इज पॉसिबल, ट्रस्ट मी इट इज पॉसिबल। इस वीडियो के बाद आप भी बोलोगे इट इज पॉसिबल। डीएम मी टू बेस्ट कोर्स फॉर यू, डीएम मी टू गेट बेस्ट कोर्स फॉर यू राइट। सो यहां से आपका गेम स्टार्ट हो जाता है। अब आपको सबसे पहले एक अकाउंट बनाना है इंस्टाग्राम पे, एंड अकाउंट बनाने के बाद आपको इस सेक्शन में आकर एक बहुत ही अच्छा कॉपीराइटेड लाइन लिखना है। अगर मैं एग्जाम्पल के लिए बोलूँ तो आप लिख सकते हो I serve Instagram post on affiliate marketing. I teach people how to make a post for your Instagram, right? And you can write like this. I can tell you how can you make $1,000 on Instagram or on online or ऑन योर मोबाइल राइट। तो ऐसे लाइन्स आपको यहाँ पर लिखने हैं, एंड उन लाइन्स को कहा जाता है कॉपी राइटेड लाइन्स राइट। तो आपको ऐसे लाइन्स यहाँ पर बहुत ही अच्छे से सोच समझ के लिखने हैं गाइज, ट्रस्ट मी। पूरा गेम यहीं से स्टार्ट होता है, पूरी चीजें यहीं से स्टार्ट होती है। तो ये जो आपका सेक्शन है ये बहुत ही सही और अच्छे से होना चाहिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप क्या कर सकते हो, आप अपना जब पेज बना रहे हो, जितने भी पेजेस बनाओगे आप लाइक 5-10 आप मैक्सिमम पेजेस बनाओ, लेकिन आपको बोलूंगा एटलीस्ट मिनिमम 5 पेज आप बनाओ राइट। आप मैक्सिमम कितने भी बना सकते हो, लेकिन अगर आप थोड़ा सा मतलब काम में सुस्त हो या आपको लगता है मैं ज्यादा नहीं क्रिएट कर सकता, तो मैक्सिमम आप मिनिमम आप 5 पेज बनाओ राइट। मिनिमम 5 पेज आप बनाओ ही बनाओ राइट। और अगर उसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है कि मैं सही से ये लाइन लिखाऊं या नहीं लिखाऊं, तो आप क्या करना, आप इस लाइन का एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद अपने स्टोरी में डाल के मुझे टैग कर देना। जितनी भी स्टोरीज आएंगी मैं उसमें चेक करूंगा जाके कि कुछ सही है कुछ गलत है, और उसमें गलत रहेगा तो मैं आपको डीएम कर दूंगा, आपको मैसेज कर दूंगा, उसी स्टोरी में रिप्लाई कर दूंगा और आपको पता चलेगा कि आपको ये लाइन सही करनी है राइट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि मैं आपका स्टोरी वहां पर तुरंत देख लूं। अगर आप मुझे डीएम करके पूछोगे तो मैं आपका हो सकता है रिप्लाई ना दूं, मिस कर दूं, बिकॉज बहुत सारे डीएम्स आते हैं, मैं बहुत सारे डीएम्स को इग्नोर भी कर देता हूं। सो इसीलिए मैं स्टोरी में बोल रहा हूं ताकि मैं चाहता हूं कि आपके काम ना रुके। तो मेक श्योर आप ऐसे ही करना जैसे मैं बताया हूं। ओके सो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ओके एंड अगर आप मुझे अभी तक फॉलो नहीं कर रहे हो इंस्टाग्राम पे तो मेक श्योर यहाँ फॉलो कर लो, यहाँ पर आपको बहुत सारे अपडेट्स मिलते रहते हैं। प्लस आप यहाँ पर देखो आके कि हमारी टीम कैसे काम कर रही है, पीपल आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, यू कैन सी हियर राइट। एंड ऑल्सो यू कैन चेक दिस लिंक, यहाँ पर आपको और भी बहुत सारी चीजें मिलेंगी। सो कम ऑन माई प्रोफाइल एंड चेक दिस, आपको इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। मेक श्योर मुझे यहाँ फॉलो कर लो, बहुत सारे यहाँ टिप्स देता हूँ और प्लस बहुत सारे आपको अच्छे पोस्ट यहाँ पर मिलते हैं जिसमें एफिलिएट मार्केटिंग की बातें की जाती है, एफिलिएट मार्केटिंग में पैसिव इनकम कैसे बनाते हैं एंड ऑल द थिंग्स यू विल गेट हियर राइट। सो इट इज टोटली फ्री, जस्ट फॉलो मी, लिंक आपको मैं नीचे दे दे रहा हूँ राइट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 5 से 10 अकाउंट क्रिएट करने हैं, मिनिमम आपको 5 अकाउंट क्रिएट करना है, और उसका ये जो सेक्शन है दैट इज कॉल्ड बायो, उसको आपको सही से लिखना है जैसा कि मैंने अभी बताया। नेक्स्ट जो स्टेप है आपका, आपको आना है इसमें दैट इज कॉल्ड 24 डीजी स्टोर 24 राइट। डीजी स्टोर 24 एक एफिलिएट मार्केटिंग का नेटवर्क है राइट, एक एफिलिएट नेटवर्क है। अब डिजिस्टो 24 में अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो डिजिस्टो 24 पे जाइए और सिंपल रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा राइट। सो यहाँ पर आपको आके एक बहुत ही बेहतरीन सा प्रोडक्ट फाइंड करना है। क्या करना है, बहुत ही बेहतरीन सा प्रोडक्ट फाइंड करना है, और ये भी मैं बोलूंगा ये भी स्टेप 1 में ही आता है राइट, इसके बाद मैं स्टेप 2 की बात करूंगा। तो ये भी स्टेप 1 में आता है। अब यहाँ पर मान लो आप आए और यहाँ पर आप प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हो ठीक है, तो आप प्रोडक्ट देखोगे कि एटलीस्ट वो प्रोडक्ट आपको 50% से ज्यादा कमीशन दे रहा हो राइट। कितना, 50% से ज्यादा कमीशन दे रहा हो, मतलब ये 50% नहीं, ये कम है आई थिंक, फॉर मी इट इज टू लो राइट। 80% इट इज गुड बिकॉज डिजी स्टोर में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो काफी अच्छा पेमेंट दे रहे हैं, मतलब 50-70-80% दे रहे हैं। ये देख रहे हो 10%, तो इस प्रोडक्ट को आपको कभी भी प्रमोट नहीं करना है। 50% ये दे रहा है ये प्रोडक्ट ट्यूब मास्टरी, लेकिन ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा फेमस है, मतलब इसमें आपको कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा मिलेगा। सो ये प्रोडक्ट भी आप प्रमोट मत करो अभी के लिए। हम लोग देखते हैं, हम लोग ये प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं राइट। और ये प्रोडक्ट है मेटिकोर, तो ये जो प्रोडक्ट है मेटिकोर ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, एंड यू कैन सी कि यहाँ पर 85%
% आपको कमीशन मिल रहा है, मतलब पर सेल जो आपकी अर्निंग आएगी वो $132 आएगी, मतलब वो 10,000 के आसपास, राइट। तो ये जो प्रोडक्ट है ये काफी बेहतरीन प्रोडक्ट है प्रमोट करने के लिए, एंड राइट। तो मैंने इस प्रोडक्ट के लिंक को सेव करके रख लिया है। एंड यहाँ पर गाइज देखो एक चीज बता दूं, ये जो प्रोडक्ट है आपका ये है हेल्थ नीश पे, राइट। मैं भी हेल्थ नीश का प्रोडक्ट लेके चल रहा हूँ, बट आपको वो प्रोडक्ट प्रमोट करना है लाइक जो हो मनी मेकिंग प्रोडक्ट, राइट। लाइक ईमेल मार्केटिंग के प्रोडक्ट्स को आप प्रमोट कर सकते हो, राइट। MMO मनी मेकिंग प्रोडक्ट्स, राइट। MMO मेक मनी ऑनलाइन के प्रोडक्ट्स, राइट। सॉफ्टवेयर को आप प्रमोट कर सकते हो, सोशल मीडिया में के सेक्शन में जा सकते हो, राइट। आप JVZoo का भी अकाउंट यूज कर सकते हो, आप क्लिक बैंक का भी अकाउंट यूज कर सकते हो, आप कोई सा भी एफिलिएट नेटवर्क यूज कर सकते हो, बट आपको मैं ज्यादा बोलूंगा, थोड़ा सा फोर्स करके बोलूंगा कि आपको मनी मेकिंग का प्रोडक्ट प्रमोट करना है। आप ये भी प्रमोट कर सकते हो, बट आपको इसके लिए थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, फिटनेस का नॉलेज होना चाहिए, और प्लस आपको फिटनेस में रुचि होनी चाहिए, आपको फिटनेस पसंद होना चाहिए, तब आप काफ़ी अच्छे से इस चीज़ को प्ले कर पाओगे, इन प्रोडक्ट्स को प्ले कर पाओगे, राइट। तो मैं रोकूंगा नहीं कि आप फिटनेस के प्रोडक्ट को प्रमोट मत करो, बट एक सजेशन दूंगा कि अगर आप इस प्रोडक्ट्स के साथ जाओगे तो आपको सेल जल्दी मिल सकती है, राइट। अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज मैं बहुत फ्री ट्रैफिक के साथ ये प्रोडक्ट्स को प्रमोट करता हूं ऑन इंस्टाग्राम, तो मैं आपको सजेशन यही दूंगा कि आप MMO मेक मनी ऑनलाइन को प्रमोट करने की कोशिश करें, राइट। सो अब आपको करना ये है कि अब आपको लिखना है यहां पर आके जो सेकंड अपना स्टेप है, जो माइंड ब्लोइंग स्टेप है, और इस पे लिखना है आके आपको एफिलिएट मार्केटिंग, राइट। आपको अच्छे से पेजेस बना लेने हैं, अगर आपको पेजेस भी बनाने नहीं आ रहे हैं, उसमें कोई डाउट आ रहा है, सो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बता दो, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पेज बनाना भी सिखा दूंगा, राइट। तो मैंने यहाँ पर एक पेज खोला है, जिस पेज का आप देख सकते हो एफिलिएट मार्केटिंग एक्सपर्ट नाम है, मैंने सर्च किया है रैंडमली, एंड यू कैन सी कि इन्होंने काफी अच्छा काम यहाँ पर किया है, लेकिन ये जो लाइन है ये लाइन नहीं लिखनी चाहिए, द एफिलिएट मार्केटिंग एक्सपर्ट आपको नहीं लिखनी है, डिजिटल मार्केटिंग मार्केटर ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। एनीवन डोंट वांट टू नो यू, अगर आपका वो पर्सनल अकाउंट नहीं है तो कोई आपको जानना नहीं चाहता, अगर वो आपका पर्सनल अकाउंट नहीं है तो ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है। एंड यू आर मेकिंग अ बिजनेस अकाउंट जहां पर आपकी आइडेंटिटी नहीं है, राइट, मतलब आप अपने आप को नहीं दिखा रहे हो, तो ये जो सारी चीजें आपको लिखने की जरूरत नहीं है, जैसा मैंने आपको सिखाया है जस्ट आपको वैसा ही लिखना है, ये फालतू की चीजें यहाँ पर नहीं लिखनी है, शॉर्ट एंड क्लियर आपको लिखकर रखना है, और जो आपने लिंक निकाला है उसको आप यहाँ पर लगा सकते हो, राइट। ये ऑप्शनल है, आप लगा दोगे तो ज्यादा अच्छा है, और हो सकता है आपको रैंडम सेल भी आए, राइट। तो आप चाहो तो यहाँ पर लगा सकते हो, अदरवाइज आपको लगाने की जरूरत नहीं है, आप लिंक ट्री का भी यूज कर सकते हो, राइट। लिंक ट्री के बारे में मैंने पहले बताया है, इफ यू डोंट नो लेट मी नो इन द कमेंट्स, मैं उसके बारे में और आपको बता दूंगा, आप वीडियो के सेक्शन में जाकर वीडियो चेक करोगे तो आपको लिंक ट्री के बारे में पता चल जाएगा, बट याद रखना आपको ये सारी चीजें नहीं यूज करनी है जो फालतू की चीजें हैं, आपको मैं पहले बता दे रहा हूँ, अदरवाइज यू विल लूज योर सेल्स, ओके। तो आपको ध्यान में रखना है। अब देखो सबसे पहला काम यहाँ पर देखो, इसने लिख के रखा है एफिलिएट मार्केटर, बट इसके स्टॉप गाइस, यू सो फोकस्ड नाउ, यू शुड, बाय द वे अगर आपने लाइक नहीं किया तो मेक श्योर अभी लाइक कर दो, और मैं बताना चाहता हूँ अपने एफिलिएट मार्केटिंग कोर्स के बारे में, अगर आप ऐसे ही फ्री मेथड सीखना चाहते हो और पेड मेथड भी सीखना चाहते हो, मतलब दोनों ही मेथड सीखना चाहते हो, तो 90% मेरा कोर्स चल रहा है ऑफ, जिसमें आप अभी के अभी एनरोल कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 2.8 लाख रुपीज के स्पेशल बोनस दे रहा हूँ, जिसमें दो चीजें और फ्री दे रहा हूँ आपको, एक इंस्टाग्राम ग्रोथ एंड मोनेटाइजेशन का कोर्स जो एक बहुत ही प्रो लेवल का इंटरनेशनल कोर्स है, और दूसरा फेसबुक एड्स का फुल कोर्स, और आप खरीद रहे हो एक एफिलिएट मार्केटिंग का फुल कोर्स जिसमें मैं कवर कर रहा हूँ इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और व्हाट्सअप, ऐसे सारे मेथड्स में कवर कर रहा हूँ उसमें, चाहो तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। 90% ऑफ चल रहा है, 2.8 लाख रुपीस के बोनस बहुत ही सस्ते में अभी मैं सेल कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ यू ऑल गाइस की, ताकि आप लोगों को हेल्प हो, सही से आप लोग काम कर सकें। तो ये अपॉर्चुनिटी को जाने मत देना, अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है, आपको दिख रहा है, समझ में आ रहा है कि कैसे मेथड्स काम कर सकते हैं, इसको लाइक दे दो, और अगर आप सही से सीखना चाहते हो, स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हो, काम करना चाहते हो, मेरे प्राइवेट ग्रुप में ऐड होना चाहते हो, 2.8 लाख रुपीज के दो एक्स्ट्रा कोर्स चाहते हो, सो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जस्ट जाओ चेक करो, एंड ट्रस्ट मी, बाय इट नाउ, बिकॉज बाद में ये अपॉर्चुनिटी 90% ऑफ आपको नहीं मिलेगी। तो तुरंत जाओ अभी की अभी चेक करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एंड बाय करो। लेट्स बैक टू द वीडियो। कोई भी पोस्ट एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड नहीं है तो हम इस पेज का यूज नहीं करने वाले हैं, ठीक है। अब और देखते हैं,
एफिलिएट मार्केटिंग, यहाँ पर देखो एफिलिएट मार्केटिंग मेंटरशिप है, ठीक है। ऐसे आपको बहुत सारे पेजेस को ढूंढना है, ठीक। और क्या करना है आपको, इनके टॉप पोस्ट जो है, टॉप पोस्ट राइट ढूंढने, इनके टॉप पोस्ट कौन से हैं। एंड यू कैन सी कि ये जो पोस्ट है इनका काफ़ी ज़्यादा चला है, राइट, ये एफिलिएट मार्केटिंग के पेज पे है। एंड यू कैन सी कि ये पोस्ट काफ़ी ज़्यादा चला है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, इस पोस्ट को यहाँ पर सेव कर लेना है, ठीक है। मैंने सेव कर लिया। अब ऐसे करके आपको 10 पोस्ट ढूंढने हैं, कितने, 10 पोस्ट ढूंढने हैं पर डे, ठीक है। ये देखो ये वाला भी बहुत ही अच्छा चला है इनका, तो मैं इसको भी सेव कर लेता हूँ एंड सेव इट। ऐसे करके आपको 10 पोस्ट टोटल ढूंढने हैं, कितने, 10 पोस्ट। आप ये काम अपने मोबाइल में करोगे, ओके। यहाँ मैं लैपटॉप में दिखा रहा हूँ ताकि सही से दिखा सकूँ, एंड लेकिन आपको अपने मोबाइल में करना है, इजी पड़ेगा आपको और आप कर भी लोगे, बिकॉज आई नो कि बहुत सारे लोगों के पास मोबाइल है। तो आपको 10 फेमस पोस्ट ढूंढने हैं अगर आपके 5 अकाउंट है, राइट। अगर आपके 10 अकाउंट है तो आपको 10 पोस्ट ढूंढने हैं, सॉरी, अगर आपके 5 अकाउंट है तो आपको 10 पोस्ट ढूंढने हैं, मतलब कि पर अकाउंट 2 पोस्ट। और अगर आपके 10 अकाउंट हैं तो आपको 20 पोस्ट ढूंढने हैं, राइट, मतलब कि पर अकाउंट 2 पोस्ट। ऐसे करके हर अकाउंट पे आपको 2 पोस्ट ढूंढने हैं पर डे के, जो फेमस हैं। ऐसे ही एफिलिएट मार्केटिंग का यहां पर लिख लिख कर, या एफिलिएट मार्केटिंग हैशटैग लिखो या एफिलिएट मार्केटिंग डायरेक्ट लिखो और सर्च करो ऑन इंस्टाग्राम, राइट। यू कैन सी, डायरेक्ट लिखो और सर्च करो यहां पर, और ऐसे फेमस पोस्ट ढूंढो जो काफी ज्यादा लाइक लेके आ रहे हैं या कमेंट लेके आ रहे हैं, या आपको ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कूल है। ऐसे आपको पोस्ट को क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है, उनको कॉपी कर लेना है एंड उनको आपको अलग से सेव करके रख लेना है, राइट। अब क्या करना है, सेव करने के बाद आपको उनके जो यूजर नेम है, या तो आप उसको मिटा दो, राइट, क्या करो, या तो उनकी यूजर नेम्स को मिटा दो, जैसे कि मान लो ये पोस्ट मैंने बोला सेव करने के लिए, राइट, ये काफी अच्छा पोस्ट है, काफी अच्छा इसने काम किया, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, इनका यूजर नेम या तो मिटा दो यहाँ से, या तो सेम ऐसा पोस्ट canva.com में जाके क्रिएट कर लो। कहाँ पर, canva.com, सीधा आपको जाना है canva.com में। ये देखो मैं दिखा देता हूँ canva.com, यहाँ पर क्लिक करो, ये मेरा canva.com का अकाउंट खुल गया है। अब ये canva.com पे आप जाके इसको रिक्रिएट कर सकते हो, इस सेम पोस्ट को, राइट, रिक्रिएट कर सकते हो। और आपको भी ऐसा कैप्शन लिखना है, बट बहुत ज्यादा लंबा नहीं लिखना है, कम से कम इतना, 2 पैराग्राफ का 5 लाइन कम से कम आपको लिखनी है, राइट। आप यहां से भी आइडिया ले सकते हो जिस पोस्ट को आप उठा रहे हो, या तो आप खुद ऐसा कुछ लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू दिस पोस्ट, बेस्ड ऑन दिस पोस्ट, राइट। तो ये आपका सेकेंड स्टेप है, आपको 10 पोस्ट ढूंढनी है, राइट। अब देखो यहां से आपकी स्ट्रेटजी स्टार्ट होती है एंड वी विल प्ले द बिग गेम From here, right? This is called third step. अब यहाँ पर मैं आपको एक strategy पूरी, ये जो strategy है वो पूरी समझा देता हूँ कि हम लोग कर क्या रहे हैं, okay? अब ध्यान से समझना, यहाँ पर ही पूरा game है। आपने create किया है कितने account? आपने create किया है 5 account, ठीक है, 5 different account, different name से, लेकिन सबका जो base है वो affiliate marketing होगा, online earning होगा और make money online होगा, ऐसे करके नाम रहेंगे सबके, ठीक है, और सबके यूजर नेम रहेंगे और सबके अच्छे अच्छे लोगो रहेंगे, राइट। मतलब कि 5 आपको ऐसे अकाउंट क्रिएट करने हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर 777 अंपायर का क्रिएट किया हुआ है, राइट। यहाँ पर जैसे मैंने 777 अंपायर का क्रिएट किया हुआ, यहाँ पर आपका लोगो रहेगा, ये सारी चीजें अच्छे से लिखे रहेंगी यहाँ पर। यू कैन सी कि ये सारी चीजें कैसे अच्छे से लिखी हुई हैं एंड यहाँ पोस्ट आपको करने हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पोस्ट जो ढूंढना है वो पोस्ट आपको करना है विथ हैशटैग। अगर आप बोलोगे कैसे पोस्ट करना है, अगर आपको नहीं आता तो आप कमेंट करके बता दो, नेक्स्ट वीडियो में उसके ऊपर लेके आ जाऊंगा, अगर मुझे 10-20-30 कमेंट आते हैं तो, अदरवाइज अब मैं नहीं लाऊंगा, बिकॉज आई वॉन्ट व्यूज कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखें, राइट। तो वो मुझे थोड़ा हेल्प करता है। तो अगर मुझे 10-20 कमेंट आते हैं कि मैं ऐसा भी एक वीडियो बनाऊं जिसमें मैं आपको बताऊं कि पोस्ट कैसे करना है इंस्टाग्राम में, तो मैं वीडियो बनाऊंगा अगर मुझे 10-20 कमेंट आते हैं तो। अगर लाइक नहीं किया तो मेक श्योर लाइक कर लो। तो अब गाइज यहां पर आपने 5 अकाउंट क्रिएट कर लिया है और 5 अकाउंट के जो नेम है वो बिल्कुल डिफरेंट है, राइट। हर अकाउंट का नाम डिफरेंट है, ओके। सो आपको हर अकाउंट का नाम डिफरेंट रखना है। किसी का नाम मेक मनी ऑनलाइन रहेगा, किसी का एफिलिएट मार्केटिंग रहेगा, किसी का मार्केटिंग रहेगा, बट सब ऑनलाइन से मिलते जुलते रहेंगे, इंटरनेट बिजनेस से मिलते जुलते रहेंगे, राइट। अब आपको डेली के इनमें 2 पोस्ट करने, एक सुबह एक शाम, जो पोस्ट अभी हम लोग ढूंढ रहे थे, जो बहुत ज्यादा फेमस पोस्ट होंगे जिसमें एंगेजमेंट और लाइक काफी अच्छा रहेगा, राइट, वही पोस्ट करना है।
राइट। और हर अकाउंट में आपको 100 लोगों को फॉलो करना है। और किन 100 लोगों को फॉलो करना है आपको पता है? आपने अभी एक अकाउंट गए थे, आप एक अकाउंट पे गए थे राइट, एफिलिएट मार्केटिंग में लिखता हूँ। किन 100 लोगों को फॉलो करना है आपको? हर अकाउंट में 100 लोगों को फॉलो करना है राइट। और किन 100 लोगों को फॉलो करना है मैं बता देता हूँ। जैसे कि मान लो हम लोगों ने ये इसको सिलेक्ट किया था, इस पोस्ट को राइट, तो इस लाइक पे आपको क्लिक करना है और इन लोगों में से आपको 100 लोगों को फॉलो करना है पर डे अपने अकाउंट से। आप ब्लॉक नहीं होगे, रुक रुक के फॉलो करना। मान लो अभी 10 फॉलो कर दिए, फिर एक घंटे बाद 10 फॉलो कर लेना, फिर एक घंटे बाद 10 फॉलो कर लेना। एक दिन में आप एक अकाउंट से 100 फॉलो करोगे राइट, ऐसे देख सकते हो आप राइट। तो इन्हीं लोगों को फॉलो करना जिन लोगों ने इस पोस्ट को लाइक किया है और इस पोस्ट को कमेंट किया है। तो लाइक किया है तो कमेंट किया, लाइक करने वालों को आप फॉलो कर सकते हो राइट। तो हर अकाउंट पे आपके कितने फॉलोअर हो जाएंगे? आपके हर अकाउंट पे 100 फॉलोअर पर डे होंगे जिनको आप फॉलो करोगे राइट। फॉलो बैक आते रहेगा, आप टेंशन मत लो। हमें फॉलोअर्स की जरूरत नहीं है, हमें सेल्स की जरूरत है, हमें मनी की जरूरत है, बिकॉज हमारा मेन एम वही है। तो हर हर पेज पे आपको 100 फॉलोअर पर डे करने हैं राइट, जैसा कि मैंने बताया एक एक घंटे रुक कर। कैसे ये स्ट्रेटेजी काम करेगी देख लो, ध्यान से देख लो ओके, बाद में मत भूलना। और आपको डेली 2 पोस्ट करना है, एक सुबह और एक शाम को, डेली करना है और अच्छे से करना है, हैशटैग लिख के और उसका पूरा नीचे कैप्शन लिखकर, 3-4 लाइन का या 5 लाइन का, ज्यादा बड़ा कैप्शन नहीं लिखना है ठीक है। तो अब ये 5 अकाउंट से आप करोगे 10 पोस्ट और डेली 100 लोगों को फॉलो राइट। एक हफ्ते तक अगर आप ये करते हो ना गाइज, यू विल सी द रिजल्ट्स राइट। अब यहां पर आपको क्या करना है, आपको टोटल इन लोगों में से हर 100 लोगों में से 10 लोगों को चुनना है ठीक है। कितने? 10 लोगों को पर डे। कितने लोगों को? 10 लोगों को पर डे। यहां पर मैं लिख देता हूं पर डे। स्ट्रेटजी को समझना ध्यान से, आगे मैं बताता हूं क्या करना है। अब पर डे आप लोगों को 10 लोगों को चुनना है हर अकाउंट से। हर अकाउंट से कितने? 10 लोगों को, मतलब 5 अकाउंट का हुआ टोटल 50 लोग। कितने हुए? 50 लोग आपके पास आ गए, 50 पीपल इन वन डे। पर डे के कितने लोग हैं आपके पास? 50 लोग हैं, डिफरेंट अकाउंट्स हैं राइट, डिफरेंट अकाउंट्स राइट। अब इन अकाउंट से गाइज मैं बता रहा हूँ ठीक है, इन अकाउंट्स, या तो आप चाहो तो 5 लोगों को भी पर डे चुन सकते हो। अगर आपको ज्यादा बर्डन लगेगा तो आप 5 लोगों को भी चुन सकते हो। अगर आप 5 लोगों को चुनोगे तो 25 लोग होंगे ठीक है। और इन 25 लोगों को राइट, इन 25 लोगों को सेम ये पूरे अकाउंट से राइट, ये पूरे अकाउंट से जो आपके 5 अकाउंट है ना, इन 25 लोगों को सेम मैसेज भेजना है इन अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट से पर डे। अब करना क्या है देखो, मैं बता रहा हूं आपको बहुत ही तरीके से मैसेज क्रिएट करना है राइट। अब मान लो मैं किसी को मैसेज भेजता हूँ, एक मैसेज तैयार करते हैं हम लोग ठीक है। सबसे पहले हम लोग एक मैसेज लिखेंगे, तो मैं यहाँ पर आपको लिखकर बताता हूँ मैसेज आपको कैसे लिखना है ओके। सो गाइज यहाँ पर मैं आपको नोट पैड में लिखकर बता रहा हूँ और आपको भी ऐसा पूरा स्क्रिप्ट तैयार कर लेना है नोट पैड में लिख के राइट। सबसे पहले आपको लिखना है, हेलो आई एम रोहन, तो गाइज मैंने जल्दी जल्दी यहाँ पर लिख दिया है। देखो सबसे पहले आपको एक छोटा सा मैसेज करना है, हेलो आई एम रोहन, एग्जांपल के लिए मैं रोहन ले रहा हूँ, आपका जो भी नाम है वो लिखना है। योर प्रोफाइल इज अमेजिंग, कैन वी चैट 2 मिनट्स प्लीज राइट। अब जैसे ही ये बोलोगे तो उसके पास सिर्फ 2 ही चीजें हैं बोलने के लिए, या तो बोलेगा यस या तो बोलेगा नो। नो मतलब वो इग्नोर कर देगा, और अगर वो रिप्लाई बोल देगा तो बोलेगा फॉर श्योर या यस राइट, मतलब कि यस ही वो बोलेगा, ज्यादातर चांस ये है। सो आपको बोलना है इफ अगर वो यस बोलता है तो, अगर आपको फिर क्या करना है, आपको एक स्टोरी क्रिएट करनी है जो सिर्फ सिर्फ होगी 5 से 10 लाइन की, अगर आप उसको टेक्स्ट में लिखते हैं तो, मतलब कि एक छोटा सा पैराग्राफ राइट। और अगर आप उसको वीडियो फॉर्मेट में देते हैं तो वो होगी 3 से 4 मिनट का, और अगर आप ऑडियो फॉर्मेट में देते हैं तो वो होगा सिर्फ 2 मिनट का ठीक है। आप समझ गए हो? अब किस फॉर्मेट में आपको देना है वो आप पे डिपेंड करता है राइट। अब इस स्टोरी में होगा ये कि आप बताओगे कि आपने कैसे ये बिजनेस स्टार्ट किया, एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट की, और आप कौन से प्रोडक्ट के साथ काम किए, और आपको कौन सा प्रोडक्ट हेल्प किया है, ऑल द थिंग्स राइट। जैसे कि हम लोगों ने मान लो बिल्डरल को प्रमोट किया राइट, बिल्डरल एक
सॉफ्टवेयर है, डिजिटल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर जो काफ़ी इफेक्टिव है और उससे हर चीज़ें हर काम हो जाते हैं डिजिटल मार्केटिंग में, एफिलिएट मार्केटिंग में। अगर आप चाहो तो नीचे उसको चेक कर सकते हो और उसको भी सेल कर सकते हो इस मेथड के थ्रू, राइट। तो अब आप क्या करोगे, अब आप बताओगे कि मैंने इस समय बिल्डरल स्टार्ट किया था एंड मैंने उसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स का यूज़ किया, लाइक मैंने मेलिंग बॉस का यूज़ किया, मैंने लैंडिंग पेज का मेकर का यूज़ किया, मैंने पॉपअप का यूज़ किया, मैंने स्टोरी टेलर का यूज़ किया, मतलब मैंने बहुत अलग अलग सॉफ्टवेयर्स का बिल्डर में यूज़ किया एंड आफ्टर अ टाइम मुझे बिल्डर से काफ़ी बेनिफिट होने लगा, मुझे पैसिव इनकम आने लगे एंड आई एम अर्निंग गुड इनकम नाउ, लाइक एंड यू नो व्हाई आई मैसेज यू, मैंने आपको इसलिए मैसेज किया ताकि मैं आपको भी ये प्रोडक्ट के बारे में बता सकूं, बिकॉज आई सॉ कि आप भी मेरे ही जैसा कुछ काम कर रहे हो, ऑनलाइन करने की कोशिश कर रहे हो एंड यू आई नो ऑलरेडी कि आपको इंटरेस्ट है एफिलिएट मार्केटिंग में, आई नो ऑलरेडी, आई थिंक आई एम राइट, राइट लाइक दिस। आपको ऐसे स्टोरी क्रिएट करनी है जो रिलेटेबल रहे, राइट अगर इससे जुड़ी कोई भी क्वेश्चन आंसर हो तो आप मुझे नीचे क्वेश्चन कर सकते हो, मैं ट्राई करूंगा आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने के, ऐसा स्टोरी क्रिएट करना है। अगर आपको नहीं पता कैसे स्टोरी क्रिएट करते हैं तो आप बोलो, मैं इस पर भी वीडियो ला दूंगा, बट अगर आपको पता है कैसे स्टोरी क्रिएट करना है तो आप स्टार्ट कर देना प्लीज, राइट। डोंट वेट फॉर एनीथिंग, जस्ट स्टार्ट नाउ। मैं चाहता हूं यह इस चैनल के ज्यादा से ज्यादा लोग अर्निंग करें, सो प्लीज गाइज स्टार्ट फ्रॉम नाउ, राइट। देन वो बोलेंगे लाइक ओ हाउ डिड यू डू दिस एंड ऑल द थिंग्स, राइट। वो क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे, राइट वो पूछेंगे आपकी कैसे हेल्प हुई और आपने कैसे अर्निंग करना स्टार्ट किया, उनके ऐसे ही क्वेश्चंस रहेंगे, राइट। तो अब आपको क्या करना है, देन यू हैव टू टॉक अबाउट योर प्रोडक्ट इन डिटेल। अब आपको इस कंडीशन में आपको अपने प्रोडक्ट के ऊपर डिटेल में बात करना स्टार्ट करना है कि मेरा बिल्डरल जो है उसमें 44 से भी ज़्यादा टूल्स मिलते हैं, डिजिटल टूल्स मिलते हैं जिसकी हेल्प से आप लोगों को मेल कर सकते हो, जिसकी हेल्प से आप लैंडिंग पेजेस बना सकते हो, जिसकी हेल्प से आप फनल बना सकते हो। अब डिटेल में आपको अपने प्रोडक्ट पर बात करनी है यहाँ पर, राइट। एंड देन एट द एंड जब वो बोलेगा कि यस इट इज़ द वेरी कूल प्रोडक्ट, मुझे लगता है काफ़ी ये मुझे बेनिफिट दे सकता है, लोग बोलेंगे लास्ट में, देखना अगर आप इस स्क्रिप्ट को सही से फॉलो करोगे तो लोग ऐसा ही बोलेंगे लास्ट में, वो खुद पूछेंगे मुझे लगता है कि ये प्रोडक्ट मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है, मुझे लगता है ये प्रोडक्ट मुझे लैंडिंग पेज बनाने में हेल्प कर सकता है, ईमेल भेजने में हेल्प कर सकता है और ये काफ़ी ज़्यादा सस्ता भी है और काफ़ी ज़्यादा टूल्स प्रोवाइड कर रहा है। देन दैट टाइम यू हैव टू गिव योर प्रोडक्ट्स लिंक, राइट। प्रोडक्ट लिंक और प्रोडक्ट्स लिंक, अगर आपके पास दो तीन प्रोडक्ट हैं या आप एक ही प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हो तो प्रोडक्ट लिंक, आपको अपना प्रोडक्ट लिंक देना है। अभी हम लोग बिल्डरल की बात कर रहे हैं तो मैं एग्जांपल के लिए बोल देता हूँ, आपको अपना बिल्डरल का लिंक उसमें दे देता है और आपको पता है बिल्डरल में एक और चीज़ है दैट इज कॉल्ड फ्री ट्रायल, तो आप बोल सकते हो इसमें फ्री ट्रायल भी आप एक बार साइन अप करके देखो, राइट। अब देखो आपने इतनी बात उससे कर ली है तो एक रिलेशन आपके साथ उसका बन गया है, उस समय वो बाय भी नहीं किया तो वो क्या करेगा, उस प्रोडक्ट में एंट्री कर जाएगा, साइन अप कर लेगा, उस प्रोडक्ट को चेक कर लेगा। देन जब आप पोस्ट करोगे तो वो आपके पोस्ट पर ध्यान रखेगा, क्या रखेगा, ध्यान रखेगा, उसको पता है कि आपने पोस्ट किया है। तो अब देखो क्या होगा, 25 लोगों को आपने मैसेज करना डेली स्टार्ट कर दिया है, अब ये 25 लोग डेली यही चीज़ को रिपीट करेंगे और आपको यही चीज़ रिपीट करनी है, उनके साथ यही पूरा स्क्रिप्ट का जो है यूज़ करना है और उनसे बातें करनी है ऐसे ही सेम, राइट। अब ये 25 लोग डेली आपका जो है पोस्ट उसको देखना स्टार्ट कर देंगे, मतलब रिलेट करना स्टार्ट कर देंगे और एक कम्युनिकेशन और एक रिलेशनशिप यहाँ से बिल्ड हो जाएगा, राइट, रिलेशनशिप बिल्ड हो जाएगा। प्लस एक बहुत बड़ी चीज़ जो इस गेम में चल रही है वो है ये 5 अकाउंट, आपको सेम डे में थोड़ा गैप करके इन 5 अकाउंट से एक आदमी को एम करना है। यू नो जब 4 लोग 5 लोग बोलने लगते हैं कि यही सही है, यही सही है, यही सही है, तो छठवां भी वही समझता है हाँ यही सही है, ये स्ट्रेटजी है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। मान लो आपके घर में 4 लोग हैं और 3 बोल रहे हैं कि भाई तुमको एफिलिएट मार्केटिंग करनी चाहिए, एफिलिएट मार्केटिंग ही फ्यूचर है, तो अगर तुम नहीं चाहते ना तब भी तुम एफिलिएट मार्केटिंग करोगे। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो ऐसे समझो, तुम चाहते हो एफिलिएट मार्केटिंग करना, तुम चाहते हो एंटरप्रेन्योर
बनना, तुम चाहते हो बिजनेसमैन बनना, बट तुम्हारे घर में 3 से 4 लोग हैं, तुम्हारे दादा दादी मम्मी पापा, तुम्हारी बहन भाई जो भी, वो लोग बोल रहे हैं नहीं तुझे इंजीनियरिंग करनी चाहिए, तुझे इंजीनियरिंग करनी चाहिए, तुझे इंजीनियरिंग करनी चाहिए। तो एट द एंड तुम इंजीनियरिंग ही करोगे, तुम इंजीनियर ही बनोगे। इसको बोलते हैं ह्यूमन टेंडेंसी। जब 4 लोग मिलकर एक ही बात बोले तो 5वां वो बात मान जाता है। तो आप भी यही काम करोगे, आप अलग अलग स्टोरी के थ्रू एक ही प्रोडक्ट को, एक ही बंदे को 5 अलग अलग अकाउंट से टारगेट करोगे। तो ये बंदा परेशान नहीं होगा, वो सोचेगा कि भाई अलग अलग अकाउंट्स एक ही प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं और उनकी स्टोरी भी अलग अलग है, जिससे इसको पता भी नहीं चलेगा, राइट? उनकी स्टोरी भी अलग अलग है एंड वही लोग, वही बंदा सोचने लगेगा आपके प्रोडक्ट के बारे में और हो सकता है कि वो आपके प्रोडक्ट को बाय कर ले। तो ऐसे 25 लोगों के साथ आपको खेलना है डेली के डेली इस स्ट्रेटजी के थ्रू। आई होप गाइस, आई होप आपको ये स्ट्रेटजी समझ में आ रही होगी। अगर आप ऐसे ही और भी सीखना चाहते हो तो मेरे कोर्स में एनरोल करो, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ट्रस्ट मी, दैट इज द सो पावरफुल कोर्स, जहां पर आपको पेड मेथड और ऑर्गेनिक दोनों ही आपको सीखने मिलता है। तो मेक श्योर आप चाहो तो 90% ऑफ चल रहा है, 2.8 लाख रुपीज के बोनसेस हैं, तो आप उस कोर्स को ज्वाइन कर लो, आपको काफी ज्यादा हेल्प पड़ेगा। लिंक इन डिस्क्रिप्शन, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। तो आप समझ गए होगे, जब आप एक ही आदमी को 5 अलग अलग अकाउंट से एक ही बात कहोगे अलग अलग स्टोरी के थ्रू, तो वो आपके प्रोडक्ट के तरफ अट्रैक्ट होने लगेगा, उसको वो प्रोडक्ट सही लगेगा, वो भी कम टाइम में लगेगा, और वो जल्दी से जल्दी आपके प्रोडक्ट को बाय करने की सोचेगा, राइट? एंड ऐसे करके आपको इंस्टाग्राम पे फ्री मेथड पे काम करना है। तो कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट करके बताओ, और कोई भी क्वेश्चन है लिखो कमेंट करके, ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं, राइट? सो प्लीज गाइज डू नाउ। आई होप गाइस ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो मेक श्योर लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस करना अगर इस चैनल पे नए मेहमान हो। और गाइस प्लीज शेयर दिस वीडियो, ताकि मैं और भी मेहनत आप लोगों को करूं, और भी स्ट्रेटजीज आपको बताऊं, एंड आपको और भी ज्यादा बेनिफिट हो, आप फ्री में अर्निंग कर पाओ। सो प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड ट्रस्ट मी इट्स हेल्प अ लॉट। सो प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड नए मेहमान हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर देना। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। जय हिंद, एंजॉय द मूवी।